बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, और आज के लेक्चर का आगाज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 से किया जाएगा। एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, इसकी मैकलॉरिन सीरीज हमने निकालनी है। मैकलॉरिन सीरीज का फार्मूला आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो, फिर अगर पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डेरिवेटिव, पावर 4 होगी 4 फैक्टोरियल फोर्थ डेरिवेटिव। तो ये मैकलॉरिन सीरीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है बार बार, और एक्स की जगह पर जीरो पुट करके वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले देखें एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, हमारे पास टेंजेंट एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया, फिर एक्स जगह पे जीरो पुट किया तो टेंजेंट जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करते जाना है, एक्स की जगह पे जीरो पुट करते जाना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो एफ डैश ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया, सीकेंट स्क्वायर जीरो का स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ जीरो 1 के बराबर आ गया। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, या आप ऐसे करें कि इसको ऐसे लिख लें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू विल गेट एफ डैश ऑफ डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ना, ये डबल डैश एक्स आ जाएगा, जीरो प्लस पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। एफ डैश ऑफ जीरो को भी डिब्बे में बंद करेंगे हम। अब एफ डबल डैश ऑफ जीरो निकालना है, चलें इसको भी टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू टेंजेंट ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो ये बराबर आ गया 2 टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस 2 टेंजेंट क्यूब एक्स, टेंजेंट क्यूब एक्स। तो जब आप एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टेंजेंट जीरो जीरो के बराबर, टेंजेंट जीरो का क्यूब जीरो के बराबर आ गया, तो ये पूरा जीरो के बराबर आ जाएगा। अब एक जीरो आ रहा है, फिर नॉन जीरो, फिर जीरो, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो कम से कम 6 डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपने निकालने होते हैं, क्योंकि 3 तो उसमें से जीरो हो जाएंगे और 3 ही आपको सीरीज बनाने के लिए बचेंगे। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। सबको टेंजेंट में कन्वर्ट कर दें आप, 2 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स जगह पे आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। मजीद वैल्यूज निकालते हैं, एफ ट्रिपल डैश एक्स किसके बराबर आया, एफ ट्रिपल डैश एक्स को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 2 3 ऐसे लिख के ऊपर 3 लिख के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट जो है ये मस्ट है, क्योंकि
एफ का मतलब ये है कि एफ का क्यूब, क्यूब ऑफ एफ। तो अगर इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम डेरिवेटिव्स। तो दोनों नोटेशंस में फर्क है, तो इसलिए डेरिवेटिव्स के लिए आपने क्या करना है, ब्रैकेट जरूर लगानी है। ओके, एफ ट्रिपल डैश एक्स किसके बराबर आया, 2 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। टू प्लस टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट भी खोल दें आप, प्लस 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 6 टेंजेंट 4 एक्स। एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू किसके बराबर आ गई इस केस में, एक्स जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये 2 प्लस ये 2 इंटू 0 आ गया, प्लस 6 इंटू 0 प्लस 0 की पावर 4। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो की भी वैल्यू आपने निकाल ली, वो किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। अच्छा, ये जब मल्टीप्लाई होगा यहां पे 6 मिस हो गया, इधर भी 6 आ जाएगा, 6 इंटू 0 का ताकत 4। एफ ट्रिपल डैश एक्स किसके बराबर आ गया, 1 2 3, 2 प्लस 6, 2 और 2 कितने हो गए, 8 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 6 टेंजेंट 4 एक्स। अब हमने चौथा डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब बजाय इसके कि मैं 4 लाइन लगाऊं, 1 2 3 4, मैं ऐसे ना लिख दूं, 4 लगा के उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दूं, ये फोर्थ डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ये ब्रैकेट इर्द गिर्द लगानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि एफ फोर टाइम डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू एफ फोर, ये फंक्शन की पावर 4 है, ये फंक्शन का 4 टाइम डेरिवेटिव है, इक्वल नहीं होते दोनों। ये आ गया 0 प्लस 16 टेंजेंट स्क्वायर 16 पावर साइड पे आ गई, तो टेंजेंट एक्स आ गया, बगैर पावर के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 6 चौका 24, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। राइट राइट। अब हम जब निकालेंगे f4 of 0, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, f4 of 0 इज इक्वल टू, ये टेंजेंट एक्स आ रहा है ना इसमें, तो टेंजेंट 0 0 के बराबर, इसमें भी टेंजेंट आ रहा है 0 0 के बराबर, तो ये सारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो चौथा डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल 0 फिर 0 के बराबर आ गया। ठीक है, इनको आप डिब्बा पैक करते जाएं, ये देखें जी, डब्बे में बंद कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया। अब इसको फिर ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं सबको टेंजेंट के अंदर, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, 16 टेंजेंट एक्स इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 24 टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 टेंजेंट एक्स प्लस 16 टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस 24 टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस, ये टेंजेंट में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि डिफरेंशिएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती,
ये आ जाएगा 24 टेंजेंट की पावर 5 एक्स, दिस इज फर्दर इक्वल टू 16 टेंजेंट एक्स, 16 टेंजेंट एक्स, 16 और 24 कितने होते हैं, 34, 46, 40 टेंजेंट क्यूब एक्स। प्लस 24 टेंजेंट की पावर 5x, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं हम, वी डिफरेंशिएट इट अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 5 दफा डिफरेंशिएट हो गया, ये आ गया 16 secant square x प्लस 40 पावर साइड पे आ गई, तो 40 जरब 3 क्या आंसर आ जाएगा, 120, 120 टेंजेंट स्क्वायर एक्स पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है, एक सौ बीस ही आएगा, 120 पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। अब आप एक्स जगह पे जीरो पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एफ फाइव ऑफ जीरो किसके बराबर आया, 16 सीकेंट ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस इसमें टेंजेंट आ रहा है, ये जीरो के बराबर आ जाएगा, टेंजेंट जीरो जीरो के बराबर, इसमें भी टेंजेंट आ रहा है, टेंजेंट जीरो जीरो के बराबर, तो अल्टीमेटली एफ ऑफ फाइव, एफ की पावर फाइव, एफ का फाइव टाइम डेरिवेटिव एट जीरो इज इक्वल टू 16 के बराबर आ गया। तो ये कम से कम 3 नॉन जीरो वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए, एक आपके पास ये नॉन जीरो वैल्यू आई, एक ये वाली नॉन जीरो वैल्यू आई और एक ये वाली नॉन जीरो वैल्यू आई, ठीक है। तो अब हम मैकलॉरिन सीरीज अप्लाई करते हैं, एज वी नो बाय मैकलॉरिन सीरीज, मैकलॉरिन सीरीज क्या कहती है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो एक्स फोर ओवर फोर फैक्टोरियल एफ फोर ऑफ जीरो प्लस एक्स फाइव ओवर फाइव फैक्टोरियल एफ फाइव टाइम डेरिवेटिव जीरो प्लस सो ऑन, चलते जाओ। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, ये वैल्यूज है मेरे पास, एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर, एफ डैश जीरो वन के बराबर, एफ डबल डैश जीरो जीरो के बराबर, एफ ट्रिपल डैश जीरो टू के बराबर, ये एफ फोर ऑफ जीरो, यहाँ पे ब्रैकेट लगानी जरूरी है, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है ये उठाकर इसका नाम आप रखते हैं नंबर वन, पुट दीज वैल्यूज इन वन, यू विल गेट एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स तो टेंजेंट एक्स के बराबर है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ गया टेंजेंट एक्स
इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो की जगह पे आ गया जीरो प्लस एक्स, एफ डैश जीरो की जगह पे आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश जीरो की जगह पे आ गया जीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह पे आ गया टू प्लस एक्स फोर ओवर फोर फैक्टोरियल, एफ फोर की जगह पे क्या आ गया जीरो प्लस एक्स फाइव ओवर फाइव फैक्टोरियल और इसकी जगह पे आ गया 16 प्लस सो ऑन। तो टेंजेंट एक्स की मैकलॉरेंस एक्सपेंशन किसके बराबर आ गई, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया, एक्स क्यूब इंटू टू, थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है थ्री टू वन, टू टू से गया तो एक्स क्यूब ओवर थ्री के बराबर आ गया प्लस 16 ओवर फाइव का मतलब फाइव फोर थ्री टू वन, तो ये आ गया टू बाई फाइव एक्स की पावर फाइव प्लस सो ऑन, ये फाइव थ्री जर फिफ्टीन टू बाई फिफ्टीन। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खुलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।